सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करें कक्षा 9 और विषय सामाजिक विज्ञान, जो आपकी अब नई किताबें आ चुकी है, परिवर्तन हो चुका है, तो उसमें अब क्या है, विश्व का इतिहास है। ध्यान रखना कौन सा, विश्व का इतिहास, जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहले आपने कभी ऐसा विश्व का इतिहास नहीं पढ़ा। ध्यान रखना, जैसे हमने पढ़ लिया फ्रांस की क्रांति, आप हम बात कर रहे हैं यूरोप के अंदर फ्रांस के देखने के बाद, चाहे जर्मनी है, इटली है, रूस है, इन देशों में भी क्या होगी, क्रांति। तो यूरोप में समाजवाद, दूसरे पार्ट का नाम क्या चल रहा है, यूरोप में समाजवाद और रूस में क्रांति कैसे हुई। जैसे हमारे भारत में क्रांति हुई ना, और भारत आजाद हुआ और अंग्रेजों को यहां से भगा दिया, वैसे ही अलग अलग देशों में ऐसी क्रांति हुई। और इस दूसरे पार्ट का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। दो पार्ट आपने देखे, उसमें हमने समाजवाद के बारे में बात की थी, आज हम बात करते हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन कैसे हुए, कैसे औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या हुआ, पहले क्या होते थे, लोग सिर्फ हाथों से बुनकर काम करते थे, खेती करते थे, कोई भी सामान बनाना होता था, औजार बनाने होते थे, सब हाथों से करते थे। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उद्योग स्थापित करने शुरू कर दिए, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होने लगा। और वही मशीनें किस प्रकार की होती थी, लोहे की बनी होती थी। अब लोहे की वस्तुओं से क्या है, बहुत सारी वस्तुएं बनने लगी। अब देखो औद्योगिक समाज बना और सामाजिक उसमें परिवर्तन क्या हुए, देखो पहले तो बहुत सारे लोग हाथों से काम करते थे, तो सबको रोजगार मिला हुआ था, सारे अपने घर पे रहकर अपने समाज में रहकर सारी चीजें बनाते थे, जैसे टोकरी बनाना, फूल चुगना, खेती करना, सब हाथों से होता था और सबको रोजगार प्राप्त था। अब मशीनें बन गई तो उससे क्या परिवर्तन हुआ, देखो एक तो सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ, जहां लोग खेती करते थे, मजदूरी करते थे, अब वो उद्योगों में काम करने लगे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, रेलवे का विस्तार हुआ। अब आपको पता है शुरुआत में रेल चल गई, सबसे पहले इंग्लैंड में चली थी 1829 के आसपास, वहां से स्टार्ट हुई, फिर यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में भी रेल चल गई, ठीक है, ट्रेन चल गई। अब इससे चलने से क्या, लोगों को आना जाना बड़ा आसान हो गया, सुविधा हो गई, पहले लोग पैदल जाते थे तो अब उद्योगों में भी जा सकते थे। तो पहला पॉइंट क्या है, औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ, लोग जो सीधा काम करते थे अब मशीनों के माध्यम से उद्योगों में काम करने लगे, और रेलवे का विस्तार होने से उन्हें आने जाने में भी सुविधा होने लगी। दूसरा देखो, इतने दिन काम करते थे जो औद्योगिक क्षेत्र, जैसे इंग्लैंड वगैरह में थे तो वहां सिर्फ पुरुष काम करते थे, अब इस परिवर्तन से क्या हो गया, औरतों को भी काम लगाया जाता था और बच्चों को भी उद्योगों में लगाया जाता था, ठीक है, औरतें भी काम करती थी और बच्चे भी काम करते थे, और काम भी बहुत ज्यादा करवाया जाता था, उसके बदले कम मजदूरी मिलती थी। क्यों, क्योंकि मशीनों का प्रयोग होने लग गया, इसलिए औरतें और बच्चे पुरुष खूब सारा काम करते थे, बहुत ज्यादा उन्हें काम करवाया जाता था, उसके बदले कम मजदूरी मिलती थी, इसलिए मुश्किल से वो क्या करते थे, जीवन यापन अपना कर पाते थे। ध्यान रखना, फिर क्या हुआ, देखो महंगाई बढ़ेगी क्योंकि लोगों ने काम करना छोड़ दिया, हाथों से काम करना धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, जिससे क्या वो वस्तुएं मशीन से बनने लगी। देखो एक तो हाथ से हम कोई वस्तु बनाएंगे वो 5 रुपए की मिलेगी, अब क्या हुआ वही वस्तु जब मशीन पे लगेगी तो उसपे 1 रुपए तो मजदूर का खर्चा आएगा, 2 रुपए मशीन का खर्चा आएगा, तो कितने हो गए 8, और वो जाके 10 रुपए में बेचेगा, तो महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ेगी ना। एक घर पे कोई चीज बनाई जाती है तो उसका, और एक हम दुकान से खरीद के लाते हैं, उद्योग से खरीदते हैं, उसमें परिवर्तन होगा। तो क्या हुआ, लोगों ने कुछ ऐसे काम थे जिनको हाथ से करना छोड़ दिया, तो महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी समाज में लगातार बढ़ेगी, क्योंकि काम किससे होने लगे, मशीनें से होने लगे, जो काम हाथों से होते थे अब वो मशीनों से होने लगे, तो बेरोजगारी तो बढ़ने लगी, बहुत सारी बेरोजगारी आ गई, बहुत सारी असुविधा। अगली देखो, जनसंख्या बढ़ने से, क्योंकि लोग गांवों से कहां जा रहे थे, शहरों में जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, क्योंकि उद्योगीकरण हो गया, उद्योग स्थापित हो गए, लोग उन उद्योगों में चाहे पैसे बहुत कम मिले फिर भी काम करने जाते थे, इसलिए शहरों में जनसंख्या क्या होगी, बढ़ गई। तो जनसंख्या बढ़ने से
शहरों में साफ सफाई मुश्किल होगी, गंदगी तो फैलेगी। इतनी सारी जो लोग हैं वो गांव में रहते थे, अपने हिसाब से शहरों में जाएंगे तो बहुत सारी गंदगी फैलेगी, कूड़ा करकट है, बहुत कुछ होगा। इससे क्या वहां मुश्किल आ गई, साफ सफाई की मुश्किलात आ गई, काफी समस्या हो गई, लोगों में रोग फैलने लगे, धीरे धीरे लोगों में भीड़ भड़ाकर इतना बढ़ने लगा कि व्यस्तता इतनी हो गई कि जनसंख्या का भार आने लगा और लोगों पर और आम जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ने लगा। उसके बाद में जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, इनका अलग अलग तरीका था, ये समाज में कैसा परिवर्तन चाहते थे, कैसे बदलाव चाहते थे, कैसा सिस्टम चाहते थे। तो उदारवादी और रेडिकल है, इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश में थे कि समस्या का हल तो होगा, अब लोग है वो बेरोजगार हो जाएंगे, उद्योग स्थापित होने से वो जो हाथों से काम करते थे वो सारा बंद हो जाएगा, तो ये खाएंगे क्या, बच्चों औरतों को भी उद्योगों में लगाया जा रहा है। तो इससे क्या है, ये ढूंढ रहे थे उदारवादी और रेडिकल की समस्या का कोई तो हल होगा। इन्होंने क्या किया, अपना बड़ा व्यवसाय किया, बड़ा व्यापार करना शुरू किया, औद्योगिक व्यापार करना शुरू किया और उस व्यवसाय से उस औद्योगिक से संपत्ति अर्जित की। उनके मन में क्या था कि हम आप व्यापार करते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं और एक बड़ी पूंजी प्राप्त करते हैं, पूंजी यानी पैसा प्राप्त करते हैं और उस पैसे का क्या करेंगे, उस पैसे का करेंगे, इससे क्या करेंगे, स्वस्थ मजदूर होंगे, मजदूरों के लिए अच्छा काम करेंगे, चाहे वो फैक्ट्रियों में काम करना कैसे उनको स्वस्थ, नागरिक शिक्षित लोगों को पढ़ाए लिखाएंगे, शिक्षित करेंगे, जितने भी नागरिक उनके बच्चे हैं उनको पढ़ाना लिखाना है, उस संपत्ति से स्वतंत्र होने चाहिए, वो स्वतंत्र तरीके से काम करवाएंगे और सबको काम देंगे तो वो क्या प्राप्त करेंगे, रोजगार प्राप्त करेंगे। ये किनकी सोच थी, उदारवादी और जो रूढ़िवादी थे, उदारवादी और रूढ़िवादी और रेडिकल समाज के लोग थे, उनकी बात है कि हमें भी संपत्ति अर्जित करनी चाहिए, बिना रोक टोक स्वतंत्र रूप से जनता काम कर सके, ऐसी संपत्ति अर्जित करें, ऐसा काम करें, ऐसा सामाजिक समाज में परिवर्तन करें जिससे क्या उन्हें रोजगार भी मिल जाए, स्वतंत्र भी रहे, वो पढ़ लिख सके और बिना रोक टोक अपने काम को सुचारू रूप से कर सके, उनपे किसी प्रकार का टैक्स न हो, किसी भी राजा का नियंत्रण न हो, ऐसा काम करने की सोची उदारवादियों और रेडिकल समाज के लोगों ने। अब देखो ये सब परिवर्तन हुआ तो यूरोप के अंदर फ्रांस हो गया, फ्रांस की क्रांति हमने देख ली, इटली, जर्मनी, रूस में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई, धीरे धीरे वहां की जनता सब अपने राजा के प्रति कठोर होने लगी और राजा को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए शुरुआत कर दी, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई। अब शुरू तो होनी थी, उसमें खास बता देता हूं, और एक अलग से राष्ट्र निर्माण की सोच के आधार पर एक क्रांति शुरू हुई थी, एक अलग राष्ट्र ऐसा निर्माण किया जाए जहां लोग पढ़ लिख सके, स्वतंत्र रह सके, रोजगार प्राप्त हो सके, बिना रोक टोक के काम कर सके, ऐसे समाज की स्थापना करने के लिए यहाँ इन देशों की जनता क्या होगी, एक क्रांतिकारी जो बड़े बड़े लोग थे वो राजा के खिलाफ साजिश रचने लग गए। 1815 ईस्वी के बाद इटली के राष्ट्रवादी, 1815 ईस्वी के बाद इटली के एक राष्ट्रवादी थे गुसेप मेजिनी, नाम याद रखना, मेजिनी कहां के, इटली के, ने राष्ट्र स्वतंत्र के उद्देश्य से भी हमारा राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र वहां की जनता होनी चाहिए, राजा के खिलाफ साजिश रखती, राजा को कैसे हटाना है वो साजिश किसने रख दी और समाज में परिवर्तन के लिए उठ खड़े हुए ताकि समाज की जो भी गतिविधियां हैं उस पे हम सुचारू रूप से काम कर सके। इस आधार पर यूरोप में समाजवाद की शुरुआत हुई, समाज को विकसित करने, वहां के नागरिकों को विकसित करने के लिए समाज में उदय हुआ मेजिनी जैसे लोगों का। कल के वीडियो में देखेंगे यूरोप में साम्राज्यवाद, जो समाजवाद है वो कैसा आना शुरू हुआ और इसके समर्थक थे, वो सारी बातें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अगले, तब तक आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना, ये विश्व की इतिहासिक घटना है, थोड़ी सी मुश्किल होगी, आपको एक बार यहाँ पढ़ा दिया, एक बार आप किताब पढ़ा करो और उसके बाद में जैसे हमारा विद्यालय लगेगा हम उसको आराम से एक एक लाइन को दोबारा पढ़ेंगे।